नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम और मैं हूं नफीसा खान और स्वागत करते हैं आपका हमारे खास शो अतीत के पन्नों में से। दर्शकों, आज हम आपको दुर्गा के उस पांचवें रूप के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी उपासना करने वाला साधक कभी भी जीवन में दुखी नहीं होता है। जी हाँ, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो स्कंद माता के साधक एकाग्रता को प्राप्त कर उनकी पूजा करते हैं। माता के इस स्वरूप को भक्त वत्सल भी कहा जाता है। माता के इस रूप का वर्णन करने से पहले आज हम आपको बताते हैं कि इन्हें भक्त वत्सल क्यों कहा जाता है। संपूर्ण जगत की भलाई व देवताओं के कल्याण हेतु माँ दुर्गा भगवती नवरात्रि में नवरूपों अर्थात प्रतिमाओं में प्रकट हुई, जिसमें स्कंद माता की प्रतिमा की उत्पत्ति नवरात्रि के ठीक पांचवें दिन भक्तजनों के हित के लिए होती है। वेद पुराणों में देवी देवताओं को न केवल माता पिता की संज्ञा प्राप्त है बल्कि वह भक्त वत्सल भी कहलाते हैं, अर्थात वह संसार के प्राणियों के लालन पालन हेतु उसी प्रकार सक्रिय रहते हैं जैसे माता पिता अंतिम सांस तक अपने वत्सल को नहीं भूलते हैं। इसी प्रकार माँ की ये प्रतिमा जिन्हें स्कंद माता कहते हैं भक्तों पर वात्सल्य को बरसाने हेतु तत्पर रहती हैं, उसके दुखों को भगाने का यथा प्रयास करती हैं। यदि व्यक्ति भक्ति से इनके प्रति समर्पित हो जाए तो तत्काल फल को देने वाली होती हैं। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से वे स्कंद माता कहलाती हैं। ये देव सेना के सेनापति भगवान स्कंद की माता हैं। इन्होंने दाईं तरफ की नीचे वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद लिया हुआ है। यह पद्म पुष्प वर मुद्रा से युक्त हैं। इनका वाहन सिंह है जो पराक्रम वीरता का प्रतीक है। ये माता भक्तों को अभिष्ट फल देने वाली होती हैं। माँ दुर्गा के नौ रूपों में हर एक रूप की अलग महिमा है और अलग अलग रूप की अपनी अपनी कथा है। इसके साथ ही माता के हर रूप की पूजा का विधि विधान भी अलग होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी पूजा विधि है जिससे स्कंद माता अपने भक्तों पर खुश होकर समृद्धि की वर्षा करती है। श्री माँ दुर्गा के इस पंचम विग्रह को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी अर्चना नवरात्रि के पांचवें दिन में होती है। स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को अभिष्ट फल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही माता के इस विग्रह की अर्चना से दाम्पत्य जीवन के आंगन में वात्सल्य की प्राप्ति होती है, अर्थात संतान की कामना को ये पूर्ण करने वाली होती हैं। व्यक्ति की बुद्धि निर्मल व चित्त प्रसन्न होता है, साथ ही घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति भी प्राप्त होती है, अर्थात भक्तों को बड़े विश्वास के साथ स्थापित देवी देवताओं की पूजा करते हुए माता की पूजा शुद्ध जल, तीर्थ के जल, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सहित संपूर्ण पूजन की सामग्री एकत्रित करके नित्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्धता पूर्वक करना चाहिए। माता के इस स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में लिखा गया है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो अपने भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती है। इसीलिए माँ के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों के लिए नवरात्रि के पांचवें दिन बहुत महत्व रखते हैं। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि माता कैसे अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और किस किस रूप में माता के प्रभाव को समझा जा सकता है। स्कंद माता भक्तों के कल्याण हेतु अति तेजस्वी रूप में दिखाई देती हैं, जिनका दर्शन अति कल्याणप्रद है, जो धन धान्य व संतान को देने वाली हैं। यद्यपि माता के चरित्र व कथानक का बड़ा ही सुंदर वर्णन दुर्गा सप्तशती में मिलता है, ये माता सभी प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली हैं, सब में व्याप्त रहने वाली हैं। इनकी कृपा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। माँ ही संसार को उत्पन्न करने वाली, उन पर वात्सल्य बरसाने वाली हैं। चाहे कितनी भी कठिन स्थिति क्यों ना हो, ये संसार का कल्याण करना नहीं भूलती, अर्थात ये सदा अभय प्रदान करने वाली हैं।
आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हुष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी कृपा से ही पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और स्वर्ग लोक में जाता है। स्कंद माता के महात्म्य को दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। माँ अपने भक्त जनों पर अद्भुत कृपा दृष्टि बरसाने वाली हैं। अपने भक्तों के प्रति इनका वात्सल्य विशेष रूप से प्रभावी रहता है तथा जो विनम्र मनुष्य माता का स्मरण करता है, माता तत्काल उसकी संपूर्ण विपत्तियों को खत्म कर देती हैं। अर्थात यह देवी सभी प्रकार के मातृत्व की रक्षा करके दुष्टों का संहार करती है तथा भक्तों का कल्याण करती है। तो आज हमने आपको दुर्गा के एक और रूप के बारे में बताया। आपको ये रूप कैसा लगा, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल जीवन कोश को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।